सोनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बनियाई प्रकट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की बड़ियाई अंगीकार की मेरे करते गुरपुरे की बड़ियाई अब चल नीम तरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई सो आओ गुरसिख वीर बजुर्ग माई भाई अति वड्डे भागां वाले 35-36 साल हो गए है दवाना लगदिया 35-36 साल के दवान लोन वाले क्यों पिछले जन्म के गुरु नानक के गुरसिख हैं उन्होंने शांति नहीं आती जिन्हें चर दवान ना लग हर साल पहला जाके कहना अंदर चित्त च फुरना होंदा दवान लग गया हुण फुरना है हजे भी रहना छद चलता भी आने साल में बाबा जी फिर मेह कर कृपा कर बाबा जी ने मोगे की संगत ने बेनती की बाबा जी सुमार बाबा जी छेदी छेदी दवान दिया कर बाबा जी कहते मोगा साडा घर है तुसी फुरना बनाओ अभी उदों ही आ जा करांगे ये अपने बाबा ईश्वर सुमार वचन है भाई मोगा साडा घर है संगत इस तरह सारी जुड़ती पुरानी संगत बैठी है संगत बाबा जी कहते मोगे तो मोगे खोलिए जानी नाम का मोगा यह वचन किया इस करके आओ अति वड्डे भागां वाली संगत है त्रेते च राम जी भगवान आए ते गुरमुख पूजन योग है योग बदल गया भगवान रामचंद्र की ड्यूटी पूरी हो गई उन्होंने कोई बाणी नहीं उच्चारण की कोई भी बस उन्होंने जो सीता सी चराई गई सी 12 साल का बनवास हो गया सी 14 साल का उदो जंग युद्ध में समा लंघ गया समा लंघ गया ना जपया गया ना जपाया गया ना मगरदिया ने जपया फिर मगर यह होया भगवान आए चले गए वो टाइम से थोड़ा ही समा पिया थोड़े समय बाद फिर साध संगत जिथे एक रावण से उथे हजारे रावण बन गए कांस आ गया होर बड़े बड़े आ गए इस करके विचार भैड़ा हो चुका फिर धरती माता ने पुकार की निरंकार को गए धरती माता बेनती की मित्र भार चुके नहीं जाता कि ठिकाणा बंदा बंदे किरत करना पशु दहन भार करना हाथी रख जाना होर जानवर दरख्तों का पर्वतों का धरती का भार पर धरती माता ने आख्या भी तू भार चुकया नहीं जाता किरत करना बंदा जिड़े बजर पाप हो चुके हैं बेड़ी लीक है ते बिच पई बजरी ते बिच बैठे जातरू ते बजरी भारी है बजर पाप है ते लीक हैगी है बेड़ी पानी ना भर रही है वह पार किवें करे पार नहीं कर सकता इस करके फिर भगवान कहते धरती माता कोई गल नहीं अगे 14 सिर्फ 14 कला दे के मैं राम जी नूं भेजिया सी हुण 2 कला वध 16 कला दे के भेजदा
भगवान कृष्ण नूं। भगवान कृष्ण आए, चलो समा लंघ गया, वह भी जंग उधर ही समा लंघ गया। महाभारत का भयानक जंग होया, बहुत कुछ होया। वो टाइम से प्रचार नहीं हो चुका, कल्ले कल्ले बंदे नूं सिख्या दा भी बंदा किस काम आया। जिवें तीसरे पातशाह जी मोहर लाउंदे आ, इस शरीर मेरे आ, इस जग में आके क्या कर्म कमाया, इहदा प्रचार ना होया शरीर दा। इस शरीर मेरे आ, इस जग में आके क्या कर्म कमाया, निंदिया कीती, झूठ बोलिया, चोरियां कीतियां, शराबा पीतियां, नशा खाधा, अपनी जिंदगी नूं बर्बाद करके मिट्टी च रला दा। इहो आख्या सच्चे पातशाह जी। इह शरीर सतगुर कहिंदे पातशाह, इह जग में आ के क्या कर्म की कीता बई, पुछे जाणा आपां सारा, पुछे जाणा छड दे, चोरी ठगी आखर तू पछतावेगा। धर्म राय जब लेखा मंग, कोई अखबार चो गल नहीं है। सतगुरु जी बैठे सामने अपने गुरु नानक, उन्हां दी बाणी पवित्र बोल रहे फ सतगुरु। धर्म राय जब लेखा मंग, किहड़ा मुख लेके जावेगा, केड़ा मुख लेके जावेगा। जो वही कढ के हिसाब तथो मंगिया, केड़ा मुख लेके जावेगा। धीआं पुत्र जिन्हां ने मोह दे जाल विच फसिया पिए हैं, ये मेरी धी है, ये मेरा पुत्र है, धीआं पुत्र तेरे नाल नहीं जाने। कहते जो तू जान लग्या उदों धीआं पुत्रां नूं लै के रोवें ते करलावेंगा। इउं आखिया, रोवें ते करलावेंगा। की आखिया? दौलत माया जिहड़े ठगियां मार के कट्टां मूंह पालिया, की आखिया? दौलत तेरे नाल नहीं जाणी, नंगे पैरी जावेगा। जो आया उदो भी पैर तो नंगा ही सी। कोई भी बंदा दुनिया ते भला राजा हो, पर जो जाता सीढ़ी ते पाया नंगे पैर होंगे, नंगे पैर ना खप्पण पाया होंगे कला। ठीक है, नंगे पैर ही जावेगा। आही समय है, लाहा लो अपना शरीर का, आही समा बंदगी कर ला, दरगाह विच जाके सुख पावेगा। हुण शरीर दे नाल दूजे जन्म की न्यों रखने का समा मिलिया। ये जिहड़ा प्रचार सी ना, ये फिर सतगुरु नानक साहब तो प्रगट होया। कृष्ण महाराज भगवान मौके नहीं सी, इस टाइम इन्ना टाइम नहीं सी, ते इस करके कृष्ण भगवान ने युग पूरा हो गया। भगवान कृष्ण की ड्यूटी पूरी हो गई, पूरी हो गई, महाभारत का जंग होया। आपां नूं सारा पता ही है, राम लीला का। ते इस करके साध संगत ते फिर कलयुग बढ़ गया। कलयुग तो हुण है, बढ़ गया। बद क्यों गया? बंदे नूं प्रचार है नहीं सी भी मैं किवें आया इस धरती ते, की लैण वास्ते आया, भी किवें आया। बंदे कोल कई बच्चे हुंदे आ, पढ़दे आ कालजां च, स्कूलां च, उहनां नूं कहिंदे नूं ज्ञान नहीं है,
ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਬਣੂ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਨਸ਼ਾ, ਬਦ ਫੈਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਮਤ ਸਿੱਖ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੀ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੰਦਰ ਛਾਵਾਂ ਆਖਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੀਵ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਪਾਲਦਾ, ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਹ ਜਗਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਮ, ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗਮ ਹੈ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਤੇਰਾ ਕਲਬੂਤ, ਤੇਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਸੀ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਵਾਯੂ, ਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਢੇ ਨੌ, ਨੌ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਢੇ ਨੌ, ਦਸ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ, ਕੈਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦਾੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਐਸਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਰਮ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦੇ ਆ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਵੇਂ ਮਨਾ ਉੱਦਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ ਉਦਮ ਨਾ ਬਣਨੇ ਆ,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਉਦਮ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਦਮ ਹੈ ਕਰਮ ਬਣ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 21 ਰੁਪਈਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਬੜ ਦਾ ਰਬੜ ਢਾਲਦੇ ਸੀ ਢਾਲਦੇ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਆਨ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਓਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸਿਵਨ ਕਰੋ ਪੁੰਨ ਬਣਾਓ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਵੀ ਖਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਨ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਐ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਫੇਰ ਸਾਹ ਸਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਗੜਾ ਚੁੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਪਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਸ ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 20-21 ਦਿਨ ਰਹੇ 20-21 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਡੋਲਿਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਫੋਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੇਠ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਜਾ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਔਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ 21 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਐ ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਯੋਗੀ ਜੀ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਢਾਲਦੇ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ 21 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਕੋ ਕੋਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣੀ ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਐ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ
मोहर ला गई ते सास उथे ला दिता। समा पिया गया ते बाबा जी कोले जदों बाबा जी दुआन च बैठे सी मत्था टेकिया सारी संगत ने। बाबा जी कहिंदे कई कहिंदे असीं गरीब बहुत गरीबी बड़ी है जी। बाबा जी कहिंदे पता नहीं लोकां कोल कित्थों पैसे आउंदे, दिल्ली तो भी एड्डी दूर दूर साढ़े कोल चल के आ जाए। इउं आख्या इउं आख्या। उन्हें सोचिया भी मैं तो हुण किराए तो बिना ही आया, पैसा कोल नहीं है। बगानी गड्डी सरदार जी ले गए, सरदार जी ते समा पै गया ते फुरना बनिया भी बाबा जी मेह करो हुण जो पैसे होए ना भेजे तुसीं कृपा की तो उदों ही आ जाओ। उदों ही दिल्ली चले गए, कम च लग गया, थोड़ा कम चल पिया, कुछ कु बाडिया वाले मुंडे कट्ठे हो गए मस्या नूं कहिंदे बई तैनूं जथेदार बनाया सी सारा ने, तू सानूं लेके जाई लेके जाई। उह कहिंदा नहीं बई ऐकी मैं जाना नहीं हूं, मैं उत्थे कहया एक दो बंदियां नूं भी बाबा जी पुछण के भी दिल्ली वाला फलाना नहीं आया ते तुसीं कह दे उहदे कोल पैसे है नहीं ते फिर कोई बाबा जी वर दे देणगे वचन कर देणगे मैं ऐकी जाना नहीं। उह कहिंदे नहीं नहीं तू एवें कहना जाना नहीं, क्यों नहीं जाना। वह कहना भी टेंट का बहुत औखा है, रेल का लुधियाने जान का। एक कह लगा भी टेंट तेरी मैं लाऊंगा, एक बोले भी चलना वह नहीं नहीं मुश्किल है। एक दिन मेरे इकट्ठे हो गए कहना तैयारी तेरी टेंट ले ली असी टेंट, कहिंदा भी मैं बाबा जी दे उत्ते चार पांच दिन सेवा ते जांदा ते मगर फिर राशन घर दे के जाईदा, गरीबी बहुत है भी राशन मैं की रखा नहीं कोई जिहदे देण लाउण वाले सी देते। एक बोलिया कहिंदा कोई गल नहीं आटा माण घरे मैं छड्डियो, दूजे कहिंदे चाह खंड असीं दे आवांगे, नहीं तैनूं लै के जाणा नाल लै के आए। प्रोग्राम बना लिया ते उहनूं बाह फड़ के उहनूं लै गए ते उत्थों गड्डी कर ली ते पता लग्गे नानक सर बाबा जी आए जी। बाबा जी देहरादून दवान सी दवान ते उत्थों एक ट्रक आ गया पटियाले वाले राजे दा हरचंद सिंह, ट्रक ते स्पीकर बन्निया सी भी जिहड़ी संगत दा कोई साधन खास है नहीं गा भी ट्रक ते भेज दवा दब ट्रक ते बह गए ते लेट हो रहे सी देहरादून। बाबा जी बचन करन लगे दवान च जदों मत्था टेकिया ते बहुत नेड़े हो गए मत्था टेकिया। बाबा जी कहिंदे हां कई कहिंदे आ ते असीं ऐरकी जाणा नहीं पुन्निया ते ऐरकी जाणा नहीं। बाबा जी कहिंदे कईआं दे घरे आटा भी छड्ड के आउणा पैंदा, इहां बोलदे बाबा जी कहिंदे सुहागण होवे सही, सुहागण सही होवे पति तो खर्चा अड़ के लै लैंदी। बाबा जी कहिंदे कईआं दे घरे माई भी पा के, माई भी पाई किसी ने उहनां दे घरे माई कोले। बाबा जी कहिंदे कईआं नूं टिकट लै के भी देणा पैंदा, कईआं नूं बाबा जी कहिंदे आटा भी लै के देणा पैंदा। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਬਜ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਬਸ ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ
महापुरखा के नेड़े बहुत कुंडाना होया जाता है। महापुरखा को रहनी किवें रहना, बहनी कहनी बैठना कितने उधर बार बह के करेंगे महापुरखा को बह जाए। महापुरखा को कहनी केड़ी गल कहनी है, बाबा जी कहने नाम तो बिना दूजी गल ही नहीं कहनी कहनी, इस करके कहनी सहनी। कहते एक बेर को कहता, दूजी बेर कहता, तीजी बेर कहता, चौथी बेर उन्होंने हाथ जोड़ के जवाब दो सहो गल पड़क पड़क न गल बोली जाओ मूरी। हाँ इस करके साह संगत इवें रहनी बहनी कहनी सहनी। जो इतने आप गुण सीख ले ना, ये बड़े बाबे का वचन है, तो फिर की मिलता। बाबा जी कहते जो ये पांच गुण आ जाते हैं, रहनी बहनी कहनी सहनी, संगत करनी किवें है। बाबा जी कहते जो लवेरी गौ मगर बच्छा फिरता, रब मगर फिर लग जाता। जिन्ना को गुण आ जाती है, ये गुण मिलते कितों? फिर कहते मेरे माधो जी सत संगत मिले, सत संगत मिले, सत दी संगत मिले। गुरु ग्रंथ साहब प्रगट गुरा की दे, गुरु नानक दी मैं घर तो चल के आई, संगत मिले। मैं महापुरखा को गया, कले महापुरखा का मेल है, मैं गया तो है महापुरखा को, सत संगत मिले सो तरिया। जो सत संगत कैसी जानी, जिते इको गुरु साहब फरमाउंदे इको नाम। दूजी गल महापुरखा को जाना, नाम जपो ते सास जिथे नाम जपी दे जाओ, उठे जा रौन ला लो, घर की कबीरदारी कन्या का विछाउणो, फलानी चीज मुक गई है, फलानी मुक गई है, लियाओ लियाओ होती है। महापुरखा को कला नाम जपो जा नाम सुनो जा सेवा करो, तो पुन्ना दे गले लग जाते, पुन्ना दिया पंडा बन जाते। इस करके साध संगत गुरु सन ताई मोर लाई है, शरीर मेरिया जग में आके क्या कर्म कमाया, क्या कर्म कमाया शरीर जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन नाम साया, जो तेरा ढांचा बनाया अंदर गुरदे बनाए, होर लीवर होर सब कुछ है रब ने बनाया, कि डॉक्टर ने बनाया, डॉक्टर डॉक्टर भी हाथ जुड़ जाते। इस करके हजूर कहते तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, हरी नू जेड़ा तेरे दिल चला रहा मन में वसाया ना, सो हर मन ना वसाया। गुर प्रसादी महापुरखा दे वचन संगत गुर प्रसादी हर मन वसिया। हजूर कहते पूर्व लिखिया पाया, हम जो सत्संग का फल इतने भी मिलू अपन, अद्धा फल दरगाह मिलना दूजे जन्म, सुभाव बन जाना ना सुभा। जे इतने पढ़ाई करी भी हो चंगी तो बाहरले मुल्क जा सकते, तो जे जमे नहीं पढ़ाई की थी चल चलिया जावेगा, पर उत्थे कोई खास डिग्री नहीं तेन प्राप्त हो डिग्री, एवं इतों की पढ़ाई है जी मात लोग की है, ये दूजे जन्म च भी काम आती है। जो इतों इंडिया की पढ़ाई है उत्थे बाहरले अमरीका कनेडा इंग्लैंड भी काम आती है, एवं आ भी पढ़ाई है, ये अपने घर की सिखलाई है जमात है, इतें ही पता लगता। इवें बाबा जी धारणा देंदे सी
दो मुंडे से ना सत्संग ना सेवा किते नहीं जाना, कम करो बस, कम पियोगे ना, को किसी ने मिलना ना सत्संग जाना। कहती सी जे दिमाग वड्डा करना हो तो महापुरख चंगिया की संगत करे, कहते एडा वड्डा दिमाग बन जाता, रब वर्गा दिमाग बन जाता, तरीमी दी अंदरों गल्लां आउण लग जांदी, रसना तो कहते रसना तो अमृत डुलन लग जांदा। उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल एह रतन सुन तो सतगुरु मोर लाउंदे ना, किन्ना गुरु जी किन्नी वड्याई करदे अपने महापुरखां दी। गुरु जी कहते सुन तो कमाव तो, हुण घर अंदर चल के नहीं सुनदे आ, अज कैदवान हो गए बेकू बचन सुनदे आ, सुन तो कमाव तो होत आधार। गुरु जी कहते तेरा आधार होवेगा, तेरे धर्मराज के सारे महाराज कागज पाट जाने, हजूर मोहर गंदे अनक बिघन ते साधु राखा, आही गल है इतने बैठी, अनेका बिघना का थोड़ा जेड़ा डिग्गा वह चक देना गुरु महाराज, सह सौखा होने लग जाना अपन सारे भी पूर्णा वाणक को गुरु समराथ, गुरु करेगा करता है मेरा गुरु जी, गुरु की कृपा वरत दी है, इस करके साध संगत शक्ति उत्थे वरत दी है जिते गुरु नानक की मत है, जिते मर्यादा है कि योग है गुरु नानक का, हम ड्यूटी है गुरु नानक की, किसी रिश्तेदार को चले चलिए तो उत्थे प्रशादा पानी छकना है, पर जो ना मत मिलेगी तो छकेंगे, जे जानसारी कह रही है थोड़े तेड़ा आईया पईया सतीर नूं सिओं लगी पई है, पता नहीं कदों मरो तुसी, कदों मरो, वो कहण वी तू दो घंटे घंटे रहना सी तैनू की फिकर, जे कमजोरियां ही फड़ी जाइए फिर रोटी भी नहीं मिलती, रोटी भी मुश्किल मिलती है, इस करके हजूर पातशाह जी मोह लाउंदे आ, अमलीक लाल रतन सुन तो कमावत होत दल आप तरह, महापुरख तरह लोका वे किन्ना सुन, सीधा वचन सुन वाला सारे लोका निस तारा, निस दा मतलब इसे जन्म च अभी वचन सुनिया नहीं तो बंदा तरिया नहीं, इवें मोहर लाई गुरु महाराज ने, इवें साध संगत दो मुंडे पिता किते नहीं सी गए बाहर, एक दिन पिता कहने लगा अपने मुंडे नूं वी फलाने तां मर्ग हो गई जाया बैठ गया बैठ गया, उहने सुन लिया बैठण जाणा, उत्थे बैठे सी बंदे कदे बाहर अंदर गया नहीं सी, जाके बह गया ना हां ना ना, ना पूछे किवें मर गया की गल हो गई कदों भोग है कुछ नहीं पूछे, मुड़े आया पिता कहने लगा पुत्र बैठा कहते बैठा, कहते किवें मरिया कोई दुख सुख की बंदे मिले, कहते तू कि क्या सी तू बैठण क्या सी, मैं जाके बह गया उठ के आ गया, कहता तू तो नलायक हूं दसो लायक किवें बनूगा, जे प्यो लायक है तो पुत लायक है, देखो प्यो बार अंदर गया नहीं मुंडे लेके गया नहीं, आ सत्संग बच्चे आया नहीं, रहनी बहनी का पता नहीं, दूजे पुत्र कहना चंद तू जा, कहना बापू बोलना पर मैनू भी नहीं आ बोलना, तो बोलना प्यो नहीं सी आ की दसे हो, इतने हम वचन हो रहे है जा पहला भी हुए है, पहला भी हुए है कितने अमृत वेले कोई थोड़ा बहुत लेट हो जाइए, कोई कलयुग ऐसा
विघन पा देवे ते कहदे नितनेम ना होवे ते लेट हो जाइए कोई शरीर ढल मठ हो जावे कहिंदे कोई द्वान ते गया वा होवे ते उहदे कोले जाके बह जाइए घंटा डेढ़ घंटा सवा घंटा भी तू बाबा जी दे मूंगे बचना च गया सी ते जारा च नितनेम नहीं होया वो कोई इथों दे बचन तोर लवे थोड़े जे बचन ही सुनाए जान कहिंदे अमृत वेले नितनेम दा घाटा पूरा हो जाए सतगुर जी कहिंदे अमृत वेला सच नाम बड़ियाई विचार जदों गुरु नानक दी बड़ियाई दी विचार होण लगी उदों अमृत वेले बल जांदे भला दिन दे बारे बजे हो बड़ियाई तां गुरु नानक दी है ना उदो अमृत वेले बन जाते कि दूजे मुंडे नूं भेजिया वह कहिंदा मैनूं नहीं बोलना आउंदा वह कहिण लगा तू उत्ते नेड़े तेड़े बेहरी किवें लोग बोलदे होए उवें तू बोल ली उत्ते गुआंढियां तां आपां नूं पता ही एक दूजे दा उत्ते नेड़े खड़ के उत्ते पानी पीता उत्ते खूह ते बैठे सी आपो बिच ही गल्लां करन लगे फलाना बुढ़ा मर गया एक चंगा हो गया फाह वड्या गया दो साल पहला मर जाता फिर कह धरती गुरक जाता कर चंगा मर गया उतो कि परौड़े लेने वो चलिया गया उन्हें कि चल सिक्ख्या मिल गई कहना अगे मेरा भरा हूं चलिया गया मैं दो सुख करना वो जो देने हो सो करना करो जी हूं तो ही है जिन्हें ना मर गया होगा कहते चंगा हो गया मर गया तो कड़ा परौड़े लेने जी दो साल पहले ही मर जाते वो कहते कि बोलना कहना दो सौ करना बाड़ा ने भी नहीं चीज का पता जिन्हें चेर संगत नहीं ना करता तेन नाम का रंग नहीं चढ़ता होना चे दूजे रंग कच्चे है जो पक्का रंग चढ़ गया कच्चे रंग तेरे लवे नेड़े नहीं आऊंगे प्लाटक का फुल है गेंदे वर्ग पर महक नहीं है भाई अपना जी नहीं करता आप वेख लिया ते ओ फुल गुलाब का गेंदे का बिंदे बिंदे फड़ के सुनता बंदा क्यों उहदे विच महक है महक है ये दरबार आने के नाल बंदे अंदर नाम की महक भरी जाती है कशबो भरी जाती है कशबो उन्होंने मुंडे नूं कुटिया मुंडा घर आया जो पिता नूं वेख के रोन लग गया पिता कहिंदा पुत वो तो चल मरन वाला मर गया तू उहदा बुरा क्यों करदा कहिंदा उहदा नहीं करदा कहिंदा जिहड़ा दुख सुख करके आया ना उन्होंने मैनूं कुटिया डाढ़ी मार मारी मारी आप चलिया गया कहिंदा चलो मुंडे नूं क्यों कुटिया वो कहिंदे ओह कहिंदा मैं दुख सुख करदा सारे सत्त दे विच इन्ने बंदे विच बैठे च कहिंदा दो साल पहले मर जाता तो कड़ा बड़े मिले ने ते बड़ा बोलिया उन चाह दे वाले फिर चाटा सिखाया कित्थे चाह कित्थे बोलना ही नहीं आया चाटा सिखाया बुढ़ा कह चलो हो ही नहीं बड़ी फिर भी मेरे बापू के नानक है ना ना रिश्ते का दिन टुटती कहते कोई गल नहीं कल मर जाए थोड़ा कोई महीने मर जाए पंद्रह दिन मर जाए मैं तैयार हूं मैं आया करूंगा वो कहते बाबा जी रिश्तेदारी कोई नहीं तेरे ना साड़ी ते कुट खाने वाली कसर तेरी कोई नहीं है जो जाने नहीं अभी कितने किसी चंडे महापुरखा की संगत नहीं करनी कई इवें झिड़का कुट खाई जिन्हें ते नाम का रंग नहीं चढ़ता इवें गुरु महाराज जी मोहर लाउंदे है ये शरीर प्रवान हुआ अज अपना शरीर प्रवान हुआ सतगुर सिओ चित लाया जे सतगुरां दे नाल चित ला लिया इवें जोग बाबे नानक जी दा है गुरसब आए है गुरसा ने मोहर लाई है
बाले पुन्ना वाली संगत सारी भागा ना समा बनिया। असि सवेरे पूछा सीगा भी बदली भी संगत को धाती पाठ चलता, कहिंदे श्री अमृतसर तो कहिंदे सी संगत आई भी है ते सुखनी साहब पाठ करते मैं अच्छा ते फिर फोरना बनिया। फिर डॉक्टर आया मैं कभी रह नहीं सकते 35 साल के दवा लगते तो भी ऐसी जाना मैं कहते जो आए थी उदो ढिले से फिर ठीक हो गए मैं हम अगे नवे ढिले हैं। डॉक्टर हैरान हो गया की गल कि ढिले हैं मां साडा प्रेम है भी संगत तो श्री अमृतसर की आई है तो तुम कोई गल नहीं बाबा जी समर्थ है। रात को तो मरीज आए थे 16 सूइयां लगी सी बाहर बीबी ने लिया तो कहते दर्द नहीं हटता जो ध्यान था दर्द रख सुबह लेके आए कहते रात दर्द ही नहीं होया दर्द ही नहीं होया कहते सन 2 साल पहले दस्या तो सीगा किसी ने पर कर्मा का चक्कर बन गया। इस करके बाबा जी की मेहर ही अपने घर से अपन पता ही है सारे कि आप समा मिलया हो शरीर प्रवान होया सतगुर से चित लाया पावरे हुआ सुहाई कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरी की बाणी हजूर मोर लाने जेड़ी कथा है कीर्तन सुनिया जावे तो पूरे गुरु की बाणी गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो नित पुराना। गुरु जी ने बड़ी ताड़ना की है गुरु जी कहते कबीर सुता क्या करे जेड़ा बंदा सुता पे है क्या करे उठ के ना जपया मरार एक दिन सोवन होगो लंबे गुड़ प्रसाद। 10 बजे समाप्ति हुई बाबा जी ने भगवान आप जल पानी छकिया हैरान वाली गल जल पानी चक के ठाड़ का गेड़ा दिता दे के भोले दरबार जाके बाबा जी कहते रतन सिंह पैरा रख सतवा जन्म एक प्रेमी नवा सी आया नवा बाबा जी कहते रतन सिंह असीं सोने का हाल जोड़न चले हैं हाल बाहन चले हैं भोरे च को 12 बजे होने 11:30 रात दे ते बाबा जी कहते सोने का हल जोड़न चले नहीं भोग पै गया समाप्ति हो गई संगत को धाती प्रशादा छक लिया छक लिया बाबा जी अंदर चले गए कुछ चिर बाबा जी ने बैठ के नाम जपया फिर नींद का झूठा वेखो कि साधना अपने बाबा जी ने नींद ने नक रड़ते बाबा नंद सिंह मूहरी बेरामी ने ते माया ने बाबा जी मूहरे लम्बे पै पै मत्थे टेके एक मेरे ज्ञानी जी भेजे से सुखानंद उथे वो कहते कितों जो भोजन करो वो कहते जी भोजन करके आए हैं कहते कितों कहते जी बदड़ी बाबा जी सेवा को रही है कहते उ बाबा नंद सिंह नानके है वो बड़े सुखानंद ताली मार के हसे कहते बाव नंद सिंह बाव मां दिया पुता कहते जड़ माया तो चेतन माया की जड़ पट के रखती आपां कि माण है किड्डी कृपा है 20 साल की गल हो जी इतने हुई है अपना कर्म किन्ना चंगा मिले तो फिर चंगा ही मिले नहीं तो फिर गृहस्थी करे बहुत वधिया काम करो तकड़े हो गए काम करो। इस करके साध संगत हजूर मोहर लाउंदे है बाणी द्वारा पाव रहम हुआ सुहाई कथा कीर्तन गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो नित प्राणी जपो जपे बिना खेड़ा नहीं छुटना कोई थोनू अपने को जपया वा देवूगा नहीं
द्वार नहीं है, कोई द्वार नहीं है, कोई महापुरख नहीं द्वार, असी नहीं द्वार, सातो आप पूरा नहीं होता, असी तो जपाओ नहीं है, जेड़ा जपदा तो बेड़ा पार होता। उत्थे सास मोहर लाई, गुरु जी कहते जप आनंद करो, कि सोना वचन बारह, हरेक शब्द बारह नाले ज्ञान नाले बारह, जप आनंद करो नित प्राण, हर साचा सिमरो पाई। गुरु जी कहते झूठे ना सिमरो, साध संग सदा सुख पाई है, साध संग नू आखे भी सच्चा है, हर साचा सिमरो पाई, साध संग सदा सुख पाई है, हर विसरना कबू जाए, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरा सो जीव है, जिसनू कर्म बैठे सारे भागां वाले हैं, कर्म बन रहे, कर्म बन रहे है। बाबा जी दे फिरोजपुर दवान सी, ते रात नू भोग पिया, हुक्मनामा लिया, सत दवान सी, ठंड बहुत सीगी उस टाइम ते, हुक्मनामा आया धर्म राय दर कागज पारे, जा नानक लेखा समझ, हुक्मनामा आया, ते जो हुक्मनामा बाबा जी सेवा करदे गुरु साहब दी, इको प्रेमी ने ना धारना लाती, वो अगे सुनी दी भीड़ियां गलियां जिदे च मना तैन निकल, हुक्मनामा आया धर्म राय दर कागज पारी, बाबा जी छेती नाल बाहर आए, बाबा जी कहते वो रागी नूं बाहर कढ़ो, समा खराब करके रखता। बाबा जी कहते ओ मेरा गुरु नानक हुण तां बोलिया, सत दवाना दा रिजल्ट, गुरु नानक साहब कहिंदे धर्म राय दर कागज पारे जन नानक। बाबा जी कहते खुशी डराउणी जी धारण लाया कर। बाबा जी गरीब नूं आज कहिंदे, कहिंदे जदों गुरु नानक ने मोहर लाती आई संगत दे कागज पाट गए, भीड़ियां गलियां उन्हां वास्ते है जिहड़े रजाइयां च पए इत्थे नहीं आए। बाबा जी कहिंदे जिहड़ी साड़ी कोल संगत बैठी ते उन्हां ते मोहर लाती, इन्हां वास्ते इत्थे भी दरगाह विच भी खुले दरवाजे है। क्यों बाबा जी ने कृपा की, इवें गुरु जी मोहर लाउंदे आ, अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै, सिमर दी गल कीती सारी, जिन्नी बाणी पढ़ो सिमरो, सिमर सिमर सुख पावो, हजूर सिमर दी गल कीती। ये बंदा इतना ठीठा सिमरन करता नहीं, तो सिमरन बंदा ही कर सकता, जे बंदा नहीं करता। गुरु जी कहते सतगुरु पुरख ना सेवियो, मन ना कीचो विचार, ओनू मानस जू ना आखियो, बड़ी दरकार मारी है, पशु ढोर ढोर गवार। गुरु जी कहते एक पशु हुंदा कि रिहा हुंदा, रिहा ढोर गवार, इहों आख्या, जिहड़ा नाम नहीं जपदा, सेवा सिमरन नहीं करता, इत्थे जोर नाम दे ही पाया जांदा है। इवें मोहर लाई गुरु जी ने, जिसनू कर्म प्राप्त होवै सो जन निर्मल थीवै, विघन विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लग, गुण गाव चित्त विनाशी, अनदन हर रंग जागा, मन इच्छे सही फल पाए, हर की कथा सहेली, आद अंत मद नानक को सोपरा हुआ वेले। गुरु नानक वेली आ जपण, चित दे विच इक खाना बना, कोई पुछे गुरु केड़ा गुरु नानक, सोचो ना अज युग दा मालिक आसन ते बैठे है गुरु साहब, तेरे ढैण विच डेर है, ते गुरु नानक दे बख्शिश करन च कोई डेर नहीं है। मैं अपने जोड़नी है, गुरु नानक ना जोड़न की ड्यूटी है, पर जोड़ेगा वो जो जुड़िया होगा, ये बाबा जी के वचन है। इस करके अपन समा मिले है हुण जोड़न का, जिहड़े जिहड़े जुड़े है, गुस्सा बैठे है,
लाहौर मर्दा ने बेनती की पातशाह भुख लगी है। गुरु साहब ने आउनी कदे भी किया भी मैं इतने बहना दो प्रशादे मंग लिया। गुरु साहब कई थे आता मंग खड़ी जात मोर लाई बाबा ईश्वर से वजन करते राजयोगी के पुत मोर लाते सन। बाबा जी कहते गुरु नानक पक्या पकाया भेज पक्या पक्या पकाया भेज भेज गुरु नानक इं मोर लाते सन। उत्ते बाबा जी ने जो मरदाने आख्या भुख लगी है बाबा जी ने नहीं किया भी जा मंग लिया पुछा तो बाबा जी कहते मरदाने रवाब शेर करतार नु याद कर रवाब जी तू ही निरंकार अमृत वेले थोड़ा टाइम 15 मिनट नितनेम तो पहला तन बाबा नानक तू ही निरंकार तन बाबा नानक तू ही निरंकार इं क्या करो। उदों बाद जो नितनेम मर्जी कर लो शब्द वाहगुरु शब्द मूल मंत्र जब जी सर जाप कोई कर लो फिर ए मन दे विच हो जाता धन बाबा नानक तू ही हाँ अंदर एक खाना बन जाता सुरती ना गुरु नानक वाल खिच पा लेंदी है खिच पैन लग जाती है निशाना मिल जाता है बूआ खुल जाता दसवें द्वार इवें मरदाना जिते भी रबाब जाई बाबा जाए कहो मरदाने तू ही निरंकार बोल मरदाने सत करतार रबाब जी एक जिमीदार मझा लेके आया मझा चार दा उन्हें वेख्या जंगल में भी आवान है तीन महापुरश बैठे बैठे है मत्था टेकया मत्था टेक के एक सतपुरख सी सोचिया बाबा जी थोड़े प्रशादा की प्रबंध है। बाबा जी कह लगे असं अकाल पुरख के बंदे हैं हम आप कि बंदे कहते हैं मतलब कहने क्या करो दो चार बारी भी अकाल पुरख के बंदे हैं भुल ना जाइए कि है भी अकाल पुरख के बंदे ये दाता भी सारे अकाल पुरख दी हैं। गुरु नानक साहब कहते असं अकाल पुरख के बंदे हाँ गुरु जी कहते साडा अकाल पुरख नूं फिक्र है असं अकाल पुरख का नाम जपते हैं जपया भी करो इं आख्या तो साथ साथ उत्थे फिर उन्हें मत्था टेकया घरे गया कहिंदा मां तीन महापुरश बैठे आ जंगल विच जपदे आ ते मैं पुछिया सी कहिंदे अकाल पुरख दे बंदे आ गा माता भी सतपुरख सी माता कहिंदे पुत्र जिहड़ा पिंडा च मिलदे ना मंगदे ये तो मंगते मंगते जिहदा नाम मंगता उह गां की देऊ देऊ जिहड़े